वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्लास को लेट नहीं करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पुट अप करना शुरू करेंगे। ये जो आज के क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस आईआईटी में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई क्वेश्चन रीड करो तो देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इंटीग्रेशन जीरो टू अंडर रूट साथ में डी एक्स, ठीक है। इसको जो आउटपुट लाना है वो हमें देखना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली रूट का कुछ हो नहीं सकता, इसलिए हमें क्या करना होगा, रूट को सबसे पहले हटाना होगा। इसके लिए बच्चे हमने क्या कर लिया है, हमने e टू दी पावर x माइनस वन को t स्क्वायर लेट कर लिया। इसको डिफरेंशिएट किया तो e टू दी पावर x dx इक्वल्स टू 2t dt। e टू दी पावर x dx की वैल्यू यहाँ से चली जाती है, जीरो से लॉग फाइव तुमको देखने को मिलता है, यहाँ से तुमको देखने को मिलता है t स्क्वायर अपॉन e की पावर x की वैल्यू यहाँ से जनरेट करो तो 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से क्या देखने को मिलता है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3, साथ में 2t और साथ में dt। यहाँ से देखो बच्चा, अब यहाँ पर जरा ध्यान देना इसी जगह पर, इसी जगह पर थोड़ा सा एरर है। यहाँ पर अभी जब x था तो ये लिमिट किसकी चल रही है, x की चल रही है। अब जब यहाँ t आएगा तो क्या यहाँ पर लिमिट x की चलेगी, t की चलेगी। इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या कंसिडर करना होता है, when और then, when x then t। x जीरो से चल रहा है कहाँ तक, log 5 तक। जब x को हमने जीरो उठा करके रख दिया है, जब x को जीरो उठा करके रखा तो t भी क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन जरा ध्यान देना, जब हमने log 5 यहाँ पर रखा, क्या रखा, log 5, तो log 5 रख देने पर e की पावर log 5 बना देता है। अब ये बताओ ये आउटपुट तुमको क्या देगा, गुड 5। अब ये हमारे पास चल क्या रहा है, माइनस वन, तो ये आ गया माइनस वन, तो ये क्या बचा, फोर बचा। लेकिन ये असल में किसके इक्वल है, टी स्क्वायर के इक्वल है। हमको लिमिट किसकी चाहिए, टी की चाहिए, तो टी बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पर लोअर लिमिट क्या आ गई, टू। अब यहाँ से कुछ लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर जब टी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर होता है तो टी की वैल्यू प्लस माइनस टू आ जाती है। बच्चा माइनस वाला इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि जो नीचे लिखा होता है वो लोअर लिमिट होती है, जो ऊपर लिखा होता है वो अपर लिमिट होती है। मेरी बात समझे नहीं समझे, तो यहाँ से देखो जीरो से टू, तो ये जीरो से लिमिट यहाँ पर क्या चलेगी, टू चलेगी। आगे बढ़ा जाए, यहाँ से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो ये बना देता है टू टी स्क्वायर अपॉन फोर प्लस टी स्क्वायर। बोलो बनाता है या नहीं बनाता है। अब इसको आगे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे यार, हमने क्या कर दिया, दोनों डिग्री क्या जा रहे हैं, सेम नहीं जा रहे हैं, तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, डिवाइड कराना होगा। डिवीजन एल्गोरिथम में भूल गए, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन वी फॉलो दी डिवीजन रूल। अब डिवीजन रूल में हम लोग क्या करते हैं, टी स्क्वायर से डिवाइड करा देते हैं, वन टाइम्स में जाता है टी स्क्वायर प्लस फोर, ये कैंसिल माइनस फोर। हालांकि आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि एक बार चार जोड़ दिया और एक बार चार घटा दिया, जो जोड़ा वो कैंसिल कर देता है और जो घटाया वो हमको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल यहां से जो सिस्टम बन रहा है वो क्या बन रहा है, कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। नहीं मेरी बात समझे, यहाँ से देखो जरा एक फॉर्मूला बन रहा है ये पूरा, बोलो बन रहा है या नहीं बन रहा है। वन को जब हमने इंटीग्रेट किया टी के रिस्पेक्ट में तो यहाँ से देखो टी बनता है माइनस का, ये फोर अपनी जगह पर रहेगा, वन अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए। बोलो बनता है या नहीं बनता है, लिमिट जीरो से टू चलेगा, ये कैंसिल हो जाता है। एक बार यहाँ से क्या बनता है बच्चा, अपर लिमिट। एक बार यहाँ से क्या बन रहा है, अपर लिमिट। अपर लिमिट जब रखते हो तो टू माइनस जीरो नहीं बना देता है, देखो टू माइनस जीरो बना देगा, फिर माइनस टू अपनी जगह पर रहेगा, 2 4 को कैंसिल करेगा तो 2 मिलेगा। यहां पर जब एक बार अपर लिमिट रख दिया तो ये क्या बना देगा, पाई बाई 4 टेन इनवर्स 1 माने पाई बाई 4। और जब एक बार लोअर लिमिट रखा तो फिर ये 0 बना देता है। बोलो बनाता है या नहीं बनाता है, यानी यहां से हमने 2 को पिक किया तो 2 माइनस पाई बाई 2, 2 माइनस पाई बाई 2, 2 को अंदर भेज दिया तो 4 माइनस पाई नहीं आ गया। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, और कोई बात नहीं थी, ठीक है। और तुमको बता दें कि कहीं पर भी रूट वूट आता है, ये इसके पहले शायद गलत ट्रिक बताया कि कहीं पर भी अगर रूट आता है तो हमें क्या करना होता है, हमें सिंपली टी स्क्वायर लेट करना होता है इन प्लेस ऑफ द टी। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो वो दोनों क्वेश्चन सेम है जो पूछने जा रहे हो, ठीक है, कोई एक ही पूछ लेना। हाँ क्या है, 0 to 1/2 वन रूट के अंदर नहीं है, अच्छा क्या है, 1 - 2x² अंडर रूट 1 - x² और साथ में dx। अब देखो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, ये जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करना है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सबसे सटीक और सबसे बेहतर ट्रिक रहेगी वो सब्स्टिट्यूशन मेथड जाएगा। एक्चुअली क्या है कि अगर 1 - x² को अगर हम t लेट कर लेते हैं, जैसे कि अभी अंडर रूट के अंदर हमने लेट कर लिया था, अगर इसको हम t स्क्वायर लेट कर लेते हैं तो एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, न्यूमरेटर पर x सही नहीं है कहीं, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन लेट करना होगा, लेट x इक्वल्स टू sin थीटा, dx इक्वल्स टू क्या बना देता है, cos थीटा d थीटा। कोई समस्या, यहाँ पर देखो हमने क्या करा, लिमिट को चेंज कर रहे हैं, when और then की टेबल बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, when और then, when x then t थीटा, जब x 0 से 1/2 चलेगा तो जब 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाता है, 1/2 पुट किया देन वी गेट दी पाई बाई 6 30। आगे बढ़ा जाए,
यहाँ से देखो बच्चा, जैसे ही हमने जीरो रखा तो जीरो से जो वन बाई टू चल रहा था वो अब चलने लगेगा जीरो से पाई बाई सिक्स। dx की जगह पर क्या बन जाता है, cos थीटा d थीटा, जबकि यहाँ से वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और साथ में ये क्या बना देता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माने cos स्क्वायर थीटा माने cos थीटा। अब देखो बच्चा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल नहीं हो गया, ये वाला जो नीचे पोर्शन देख रहे हो ये असल में क्या है, जीरो से पाई बाई सिक्स, ये है cos टू थीटा और साथ में d थीटा, ऊपर नहीं चला जाएगा, sec 2 थीटा में नहीं तब्दील हो जाएगा, ये क्या बदल, किसमें बदल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 6, ये बदल जाएगा sec 2 थीटा और d थीटा। sec थीटा का एक फॉर्मूला तुमको पढ़ाया था log sec थीटा प्लस tan थीटा, एक फॉर्मूला तुमको पढ़ाया था log tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब क्योंकि यहां पर क्या है 2 थीटा चल रहा है तो हम लोग उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, 1 अपॉन 2 log tan पाई बाई 4 और प्लस 2 थीटा अपॉन 2, तो सीधे लिख दें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा थीटा बच जाएगा। बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई, नहीं आई, आ गई, ठीक है। अब अच्छा हमको क्या करना है, जीरो से पाई बाई सिक्स लिमिट अप्लाई कर पाओगे या बताएं, कर पाओगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बोलो अब नीचे वाला देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बताना पड़ेगा, हाँ ये नोट कर लिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं कुछ रफ करने जा रहा हूँ, अपने पास बहुत ही दमदार और झमाझम सवाल आने वाला है, ठीक है, रफ करें, हाँ बोलो सर, इतना नहीं हो पाएगा, थीटा की लिमिट नहीं चल रही है एक, अच्छा तो पूछो ना, यहाँ से इंटीग्रेशन sec थीटा d थीटा, एक इसके दो फॉर्मूले पढ़ाए थे, एक पढ़ाया था log 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, याद आया, यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया है, तो जो 2 थीटा यहाँ थीटा है तो थीटा आ रहा है, जब अपने पास 2 थीटा होगा तो एक तो तुम जानते हो 2 थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल होगा, और एक तुम जानते हो कि जब आर्गुमेंट का डबल होता है तो जो यहाँ आर्गुमेंट का मल्टीपल होता है वो डिवाइड में जाता है, इसलिए ये वाला 1 अपॉन 2 देखने को मिल रहा है, अभी भी नहीं समझे, क्लियर, ठीक है आगे बढ़ा जाए, ठीक है। और बोलो भैया इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, हाँ अब बोलो जरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, हाँ कोई समस्या यहां तक, आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए आगे, देखो यार ये पावर एन की वजह से ये है प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड, क्या कहा, पावर एन की वजह से ये प्रॉब्लम क्या है कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर इसी तरीके का बैकग्राउंड म्यूजिक जो है बीच बीच में, हाँ इसलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा, ये यूपी बोर्ड 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि जो वास्तविक में पूछा गया है इसके पहले आईटी में पूछा जा चुका था, ठीक है, तो प्रॉब्लम में स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स आपको अलग अलग बुक्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सोल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ ये सोल्यूशन आपको ईजिली देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने करीब करीब 6 मेथड से सॉल्व किया हुआ है, जिसमें सबसे आसान ईजी सिंपल और सोबर जो बताने जा रहे हैं वो है, ठीक है। हमने लेट कर लिया sec थीटा प्लस sec x प्लस tan x को t, कोई समस्या, अब एक चीज तो क्लियर है कि sec स्क्वायर x तभी हटेगा जब tan x को क्या लेट करेंगे t, तो हमें किसी तरीके से tan x की वैल्यू पता चल जाए तो बात बन जाएगी, तो हम क्या करेंगे tan x की वैल्यू जनरेट करेंगे, वी नो हम जानते हैं, कोई बता सकता है इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 इज द करेक्ट आंसर, ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बन रहा है a plus b a minus b, और यहां से देखो 1, बोलो मिला या नहीं मिला, sec x plus tan x को तो पहले ही लेट किए बैठे t, तो यहां से sec x सीधे लिख दें, यहां से कुल मिलाकर के sec x माइनस tan x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 1 अपॉन t के इक्वल हो जाती है, कोई समस्या, इसको हमने क्या कर लिया है, इक्वेशन 1 अज्यूम किया, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 2 अज्यूम किया, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको tan x की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लगता है इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देना चाहिए, नहीं मेरी बात समझे, जब एक में से दो को हम घटा देंगे तो sec से sec कैंसिल हो जाएगा, ये बना देता है 2 tan x is equal to t माइनस 1 अपॉन t, नहीं मेरी बात समझे, क्या कहा, t माइनस 1 अपॉन t, अब यहां से जब हमने tan x की वैल्यू को देखा तो ये बना रहा है 1 अपॉन 2 t माइनस 1 अपॉन t, अब हमने क्या किया, इसको कर दिया डिफरेंशिएट, तो ये sec स्क्वायर x dx is equal to 1 अपॉन 2 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर साथ में dt, बोलो बनता है या नहीं बनता है, हम क्या करने जा रहे हैं, इसको आगे प्रोसीड कराने जा रहे हैं, देखो ये सब रफ कर रहे हैं, ये सब तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था तो इसको क्या करना है, सॉल्व करके आंसर बताना है, ठीक है भैया, आयुष ये क्वेश्चन आपका था तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसका आंसर जो है मुझे बताएंगे कि आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, सारी वैल्यूज को रिप्लेस कराने जा रहे हैं, रिप्लेसमेंट के दौरान एक खास चीज पर हमें ध्यान देना होगा, वो खास चीज क्या है, नहीं वो खास चीज है लिमिट, कितनी बार कहा है, व्हेन देन, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसी जगह पर गड़बड़ी करते हैं, व्हेन एक्स देन टी, जब लिमिट चल रही है जीरो से पाई बाई टू, तो जरा देखते हैं यहां पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, जब जीरो लिया तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो और सेक जीरो की वैल्यू वन, और जब 90 ले लिया तो 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और फिर तुम जानते हो अनंत में कुछ भी जोड़ेंगे सब अनंतमय हो जाएगा, इसका मतलब यहां से क्या मिल जाता है, इन्फिनिटी मिलता है, क्या मेरी बात सभी लोग समझ पाए, आगे बढ़ा जाए,
चलो देखते हैं फिर आगे क्या हो सकता है भाई। तो हमने क्या किया, हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। यहां पर जो लिमिट अभी चल रही थी 0 से पाई बाई 2, वो लिमिट चलने लगेगी 1 टू इंफिनिटी। sec स्क्वायर x dx की जगह पर हमको क्या देखने को मिलता है, 1 अपॉन 2 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर साथ में dt। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो यहां से हमको देखने को मिलता है sec x plus 10x की वैल्यू t, sec x plus 10x की वैल्यू t टू दी पावर n। अब यहां से जब सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन 2 बाहर हो जाता है, 1 टू इंफिनिटी ये तुमको देखने को मिलता है t टू दी पावर n, 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर साथ में dt। माने 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन t टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन t टू दी पावर n प्लस 2 साथ में dt। क्या इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, 1 अपॉन 2 गलत बात है, 1 अपॉन 2 1 टू इंफिनिटी t टू दी पावर माइनस n dt, बोलो बनाएगा या नहीं बनाएगा। और जबकि इसी पोर्शन को फिर हम अंदर लाए तो 1 अपॉन 2 1 टू इंफिनिटी फिर t टू दी पावर माइनस n माइनस 2 dt। कोई समस्या, इसको जरा ध्यान से देखो, 1 अपॉन 2 t टू दी पावर माइनस n की जो वैल्यू जनरेट हो रही है वो क्या जनरेट हो जाएगी, इसको इंटीग्रेट करना है, 1 माइनस n जनरेट हो जाएगा t टू दी पावर 1 माइनस n, बोलो बनता या नहीं बनता। अरे भाई एक जोड़ते हैं एक तो करते हैं, अरे यार ये होता है फॉर्मूला मार बैठे ताक रहे हैं, टी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस थ्री, ये नहीं पढ़े हो, पढ़े आगे, हाँ ये यहां से आया प्लस का वन अपॉन टू, इसको बच्चा जब सिंप्लीफाई किया तो मुझे लगता है क्या लगता है, क्या लगता है भाई, माइनस एन माइनस वन, और फिर क्या लगता है, माइनस एन माइनस वन, लिमिट्स क्या चलेगी, वन टू इन्फिनिटी वन टू इन्फिनिटी। कोई समस्या, आगे बढ़ा जाए। अब देखो ये वाला जो आउटपुट है ये अपनी जगह पर रहेगा वन माइनस एन, ये वाला जो आउटपुट है देखो क्वेश्चन में तुमको कुछ दिया होगा, तुमको n के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही होगी कि n क्या है, n ग्रेटर देन 1, कितनी गहरी बात आज इन्होंने कह दी है, इन्होंने क्या बात कह दी है, n ग्रेटर देन 1। जरा ध्यान से समझना, अगर n 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये होगा कि जब n को भेजेंगे तो 1 माइनस n यही तो आएगा, इसका मतलब ये है कि जो 1 माइनस n है वो 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है का मतलब क्या है, नेगेटिव है, और जब नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअल में पावर डिनोमिनेटर में लाई कर रही है, नहीं समझे, मतलब ये जो टर्म है 1 t टू दी पावर 1 माइनस n वो न्यूमरेटर पर गलत है, वो कहां होना चाहिए, डिनोमिनेटर। भाई जब हम लिखते हैं x इनवर्स तो उसका मतलब तो असल में 1 अपॉन x होता है ना, जब पावर नेगेटिव होती है तो इसका मतलब वो टर्म कहां पर है, डिनोमिनेटर में है, और 1 अपॉन इनफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये असल में न्यूमरेटर नहीं कहां है, डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में जब अपर लिमिट रखा तो क्या बना देता है, 0 माइनस, अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पर तुमको क्या देगा, 1 दे देगा, बोलो देगा या नहीं देगा, नहीं मेरी बात समझे, नहीं समझे, समझ गया सभी लोग, हाँ हिमांशु बढ़े आगे। यहां से देखो जरा फिर ये माइनस साइन आ जाता है बाहर 2n प्लस 1, और ये वाला जो पोर्शन चल रहा है सेम वर्किंग सेम प्रोसेसिंग जो वहां से हम लोग सीख करके आए, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी हमको क्या देता है, ये भी हमको अब देखना, ये प्लस 1 देता है कि माइनस 1 देता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन देगा, क्या देगा, माइनस साइन। यहां से जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन 2 देखो दोनों बॉडी से हो जाता है कॉमन, यहां से माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और यहां से माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n होता है, बोलो होता है या नहीं होता है। हमने क्या किया, इस माइनस साइन को अंदर रन करा दिया, तो ये जो 1 माइनस n है वो किसमें तब्दील हो जाएगा, n माइनस 1 में, किसमें, n माइनस 1 में, तो यहां से तुमको देखने को मिलेगा n प्लस 1 प्लस का 1 अपॉन n माइनस 1। एलसीएम ले लिया, जैसे ही एलसीएम लिया तो n माइनस 1 प्लस का n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, 2n अपॉन 2n स्क्वायर माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, ये आया फाइनल आंसर। नहीं मेरी बात समझे, इससे आसान मेथड नहीं है, हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस क्वेश्चन को मैंने 6 अलग अलग मेथड से सॉल्व किया हुआ है, लेकिन सबसे आसान सिंपल और सोबर यही मेथड है। 500 बार पढ़ा चुके हैं कि जितना ज्यादा पेन चलता है दिमाग उतना ही कम चलता है, जितना ज्यादा दिमाग चलता है पेन उतना ही कम चलता है, हालांकि बुक में इसका हिंट भी दिया गया, हिंट लगा दोगे तो तुमको समझ जाएगा असल में सोल्यूशन जा कहां रहा है। मेरी बात समझे नहीं समझे, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे फॉलो करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में तो यही सोल्यूशन है, इसके बाद एक से दो सोल्यूशन और आते हैं, फिर वो गामा फंक्शन से होते हैं, आपने पढ़ा नहीं है इसलिए बता भी नहीं रहे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अभी तक के सारे क्वेश्चन हो गए, कोई बच गया है, कोई बचा, कोई नहीं, हाँ डन डन, इसको रफ करें, इसको ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं, और अब जरा हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ये जो सीरीज चल रही है ये बोर्ड एग्जाम में पूछे के प्रॉब्लम्स की सीरीज चल रही है, ये पार्ट 3 है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं, और स्पेशली यहाँ पर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही बोर्ड को प्रॉपर कवर करने की कोशिश की जा रही है। हाँ भाई चलो, क्वेश्चन कहाँ तक पहुँचे थे और अभी कौन सा नंबर बताना बाकी है, 0 to π 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x dx। यार ये तो मुझे लगता है सॉल्व हो जाएगा, हाँ 2016 में पूछा गया सवाल है, नहीं सॉल्व हो पाएगा, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, प्रॉपर्टी 4 देखो हम लोग इस्तेमाल कर देंगे, प्रॉपर्टी 4 का पार्ट भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी का बाबू इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 0 से पाई अपनी जगह पर आ जाता है, यहां से पाई माइनस x sin पाई माइनस x, और साथ में 1 प्लस 3
कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। मुझे लगता नहीं कि मुझे पूरा सोल्यूशन बताना पड़ेगा। जीरो से पाई, यहां से अगर तुम देखो तो पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, बढ़िया। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस को क्या कर देगा? प्लस, तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में dx, मतलब x चल रहा है। मैंने पहले भी कई बार बताया कि अगर डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है तो ये कंफर्म होता है कि वहाँ प्रॉपर्टी 4 लगेगी। क्या यहाँ डिनोमिनेटर में कोई परिवर्तन हुआ? मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट है। आगे बढ़ जाएं, इसको बच्चे हमने क्या कर लिया, सेपरेट करा दिया। तो पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, बोलो बनता है? माइनस साइन आता है ये, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो बनता है या नहीं बनता है? जीरो से पाई, ये वाला पोर्शन देखो, ये पोर्शन किसी से टैली हो रहा है? किससे टैली हो रहा है? आई से। तो ये आई इज इक्वल टू, ये देखो पाई बाहर हो जाता है, 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो यार यस हो रहा है? ये वाला, ये अच्छा, बढ़िया। देखो कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस का कॉस एक्स। हमने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो आपने कहा सर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देने पर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब तुम जानते हो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, बोलो लिख सकते हैं? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस नहीं हो जाता है, तो ये कुल मिलाकर कॉस स्क्वायर एक्स नहीं आ जाता है। ये देखो यही रिप्लेसमेंट दिया हुआ है। आगे बढ़ा जाए, अब ये बताओ कि ये वाला पोर्शन कैसे इंटीग्रेट होगा, क्या चीज करें इसमें, क्या लेट करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स को, सही है, कॉस एक्स को टी लेट कर लेंगे और जो है बात बन जाएगी। अब ये बताओ कर पाओगे या इसके आगे बताएं, कर ले जाओगे? ठीक है, ये जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी जो है इसका सलूशन मुझे भेजेंगे ताकि पता चल पाए कि असल में तुम लोग कुछ कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑलरेडी सॉल्व कर ले भाई, वाह भाई बहुत बहुत बढ़िया, खतरनाक। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, अच्छा है, सही है, सभी लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन वाले इसके आगे सॉल्व करके मुझे सलूशन भेजेंगे, तुम लोग भी जो इसके आगे सॉल्व करके मुझे बताओगे। फिर बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, इंटीग्रेशन, हाँ, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सैंपल पेपर 2016 का, ये सैंपल पेपर से ये क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या होना चाहिए ये तो नहीं समझ आ रहा है, बस एक बात ये समझ आ रही है कि 2 जो है ये बाहर चला जाए, माइनस का माइनस पाई से प्लस पाई, कोई समस्या? हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करा देंगे, एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस का 2 x sin x upon 1 plus cos square x dx, minus pi से plus pi, कोई समस्या यहाँ तक? 500 बार पढ़ाया है, एक बार नहीं कितनी बार, 500 बार। जब जब लिमिट का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है sin अपोजिट होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? प्रॉपर्टी फिफ्थ, प्रॉपर्टी फिफ्थ ये देखो तुम्हारे सामने छपी हुई है, माइनस ए से प्लस ए fx dx इक्वल्स टू, फिर ये दो आउटपुट देता है, कि जो भी आउटपुट है ये बात डिपेंड करते हैं फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। हमने इस फंक्शन को डिस्कस करना चाहा, किस फंक्शन को डिस्कस करना चाहा? इस फंक्शन को। ठीक, तो हमने ये मान लिया कि जो fx है वो असल में fx क्या है, x upon 1 plus cos square x, कोई दिक्कत? हमने replacement करा दिया, x का replacement minus x से, minus x 1 plus cos minus x का square, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? f minus x कर देने पर बाबू minus x cos minus theta क्या होता है? cos theta, और cos theta का square वही रहेगा। तो ये देखो जरा ध्यान से, ये देखो बन रहा है या नहीं बन रहा है? अगर इस minus को थोड़ा सा दूर ले जाएं तो ये देखो शायद ये कुछ portion तैयार हो रहा है, fx तैयार हो रहा है। अब ये क्या तैयार हो रहा है? f minus x is equal to minus का fx, कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। तो इसका आउटपुट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो अब हमको जो डिस्कस करने के लिए बचा है वो कौन सा बचा है? ये वाला बचा है। ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन असल में इसी से कुछ टैली हो रहा है। अब तुम कहोगे सर वहां तो लिमिट जीरो से पाई चल रही है, तो देखो बच्चा यहां पर इतने पोर्शन को हमने ये माना कि ये क्या है, ये जी एक्स है। क्या है? जी एक्स है, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जी का एक्स का रिप्लेसमेंट माइनस एक्स है, साइन माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस कॉस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस, तो कुल मिलाकर के प्लस का एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बना देता है। यहां से अगर ध्यान से देखें तो एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये असल में क्या है? जी एक्स ही है। तो ये किस तरह का फंक्शन हो गया है? इवन फंक्शन हो गया है, नहीं मेरी बात समझे? तो यहां पर बताएंगे, सिंस एफ एक्स इज ऑड एंड जी एक्स इज एंड इवन फंक्शन, therefore, ठीक, अगर ये odd function है तो इसका output तो zero हो जाता है, plus अगर ये even function है तो ये तुमको बता रहा है कि जो limit चलेगी even के लिए वो zero से a पर चलेगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि two आगे आ जाएगा, एक two और आगे आ जाएगा, zero से पाई, फिर x sin x upon 1 plus cos square x। अब तुम शायद अभी बोल रहे थे कि 3 नहीं था जो तुमने सॉल्व किया है, यही क्वेश्चन है? बस बनी या नहीं बनी? बन गई। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ आ रहा है? सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, जबकि ये वाला जो क्वेश्चन है यस ओवरऑल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है किसमें, एग्जांपलर में। डन,
बढ़िया है, अच्छे से सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कुछ रफ करें, कुछ रफ करें, ठीक है। अब बोलो अभी और भी सवाल हैं? अरे यार कितने सवाल पूछोगे भाई। हाँ फिर बोलो जरा, ये नहीं आ रहा कहाँ से? अरे यार मैंने कहा एफ एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो जब फंक्शन ऑड होता है तो वैल्यू क्या होती है? तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू जीरो नहीं आ गई, ये वाला टू अपनी जगह पर कॉपी पेस्ट हो गया है। ये वाला फंक्शन देखो इवन है, और जब फंक्शन इवन होता है तो जो लिमिट माइनस ए से प्लस ए है वो टू आगे आता है, जीरो से चलने लगती है। तो जो टू आगे आ गया और लिमिट जो माइनस पाई से प्लस पाई थी वो जीरो से पाई चलने लगी। अभी भी नहीं समझे? ठीक है हाँ अब बोलो बच्चा, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। यही है क्वेश्चन 2000 गुवाहाटी 2015 में पूछा गया प्रॉब्लम है, नहीं कर पाओ कैसे? एक चीज तो क्लियर है कि ये एक्सपोनेंशियली की पावर 2x आया, तो मुझे लगता है एक फंक्शन कोई सॉल्व होगा और दूसरा कैंसिल होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बोलो बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? समझने का प्रयास करेंगे बच्चा। माइनस का पाई बाई टू से प्लस का पाई बाई टू की पावर 2x, वो जो ऊपर लिखा गया है उसको ऐसे ही लिखा रहने दो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नीचे वाले पर फॉर्मूला लगाओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स साथ में dx। यहां से माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ई की पावर 2x, यहां से क्या हुआ 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। यहां 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, यहां से हमने क्या किया माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ई की पावर 2x। यहां से ये वाला 2 पूरी बॉडी से बाहर हो जाएगा। अब ये जो 1 अपॉन दोनों के पास सेपरेट हो जाएगा। अरे भाई इसको ये लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? अच्छा आप बता रहे हो, जब हमने रफ कर दिया पहले बता देते यही बात, साइन स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, हमने क्या कर दिया इसको सेपरेट कर दिया। जब सेपरेट किया तो दोनों के पास चला जाएगा, एक बार इसके पास आ जाएगा, एक बार इसके पास आ जाएगा। ध्यान से देखोगे तो साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। यहां देखो 1 अपॉन 2 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 और e की पावर 2x 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 2 कॉट एक्स और फिर साथ में dx। कौन सा आर्टिकल लगना चाहिए? सही है e टू दी पावर एफ एक्स, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ मुझे रफ करना होगा, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, हाँ e की पावर x एफ एक्स, ये आता है आउटपुट। ध्यान देना जरा, असल में क्या है कि cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर x, नहीं मेरी बात समझे, cos x स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन ये नहीं होता है। तो माइनस साइन कॉमन करेंगे और माइनस साइन कॉमन करने के बाद में तुमको क्या करना होगा, माइनस टू भी कॉमन कर लेना। माइनस टू जब कॉमन कर लोगे तो 1 अपॉन 2 आएगा, तो इसके पास असल में की पावर 2x चल रहा है ना, जब इंटीग्रेट करोगे तो फिर वो 1 अपॉन 2 मिलेगा। अब मेरी बात समझे नहीं समझे? समझ गए, प्रॉपर्टी वाली अप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा। इसका भी तुम लोग आउटपुट बताओगे कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, हालांकि आ जाएगा। आगे बढ़ा जाएं, कुछ रफ किया जाए। हाँ ठीक है, अब बोलो कितने सवाल बचे हैं यार? अरे बाप रे तुम लोग तो यार। हाँ बोलो भैया कौन सा नंबर है अब? पहले तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। 2008 बात हम समझ गए, तुम लोग कितने बड़े प्रकांड विद्वान हो। हाँ बताओ। अरे आप अरे 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 ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था इसका आंसर या तो माइनस का पाई बाई टू लॉग टू होगा या फिर पाई बाई टू लॉग वन बाई टू। याद आया? नहीं याद आया, हालांकि इस क्वेश्चन को मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको याद होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बताया था और मैंने कहा भी था कि इसको अच्छे से क्या करना, प्रिपेयर करना। एक काम करना, ये तुम लोग इस बारे में सॉल्व करके दिखाओगे। यहाँ लिख रहे हैं डू योर सेल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट सॉल्व कर ले जाओगे या बताएं? पक्का? किसी को डाउट तो नहीं है क्लास में? ठीक है हाँ बोलो क्या है क्वेश्चन। दिल्ली 2014 में देखो ये सवाल पूछा गया है। 2014 में देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ, बोलो। यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और साथ में डी एक्स। कोई समस्या? हमने बाबू क्या किया, एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया? एलसीएम। तो मुझे लगता है कि शायद 1 प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स, बोलो बनता है? अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाता है, तो ये मुझे लगता है अंडर रूट साइन एक्स बना देता है, पूरी बॉडी के अपॉन में आ जाता है। ये यहाँ से घूम करके कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स। अब हमने तुमसे कहा था कि ये इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो लिमिट जीरो से पाई बाई टू होने पर ये आउटपुट तुमको हमेशा देते हैं क्या, पाई बाई फोर। इस सिचुएशन में इसका आंसर आना चाहिए पाई बाई ट्वेल्व। क्लियर? कोई समस्या सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर ले जाओगे?
इसमें थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आई इक्वल्स टू, अभी तक क्या था कि जब जीरो से पाई बाई टू होता था तो प्रॉपर्टी फोर्थ का पार्ट बी लगा देते, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। अगर हम दोनों को ऐड करें पाई बाई थ्री और पाई बाई सिक्स को, तो बोलो क्या आउटपुट मिलेगा, एलसीएम छह चला जाएगा, टू थ्री जा सिक्स होता है और ये पाई, माने थ्री पाई बाई सिक्स माने पाई बाई टू, बोलो बनता है या नहीं बनता है, पाई बाई टू, यानी ये पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री रहेगा, और बच्चा जैसे इसमें हमने प्रॉपर्टी फोर अप्लाई किया तो साइन, अब ये समझे पाई बाई टू कहां से आ रहा है, ईशा को लगता है कुछ दिक्कत हो रही है, इसको भैया ऐसे लिख दो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, अभी भी नहीं समझे, आ गया, इसी को तो यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहे हैं पाई बाई टू, खैर कोई बात नहीं, जैसे समझ आएगा वैसे समझाया जाएगा, साइन पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स माइनस का एक्स, ये एक हिस्सा प्लस का, फिर यहाँ से कॉस पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स माइनस का एक्स, नहीं मेरी बात समझे, डी एक्स, कोई समस्या, ये क्या है 90, अभी देखो सॉल्व करके दिखा दिया है, साइन 90 माइनस थीटा क्या, हम पूछ रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा के, तो मुंडी हिला रहे हैं, अरे अरे क्या नहीं आता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, ये बना देता है अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन, ये बना देता है अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये हो जाती है इक्वेशन नंबर टू, और ये हो जाती है इक्वेशन नंबर वन, क्या कर देना चाहिए, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, सिंप्लीफाई करोगे और आंसर बताओगे क्या आ रहा है, कर पाओगे बताएं, कर ले जाओगे, ठीक है, और सवाल अभी बचे हुए हैं, अरे यार रब करें, वन टू थ्री, यार ये सवाल तुम नहीं कर पाओगे, यार अजीब बात है यार यार ये तो एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन आ गया यार, बोलो कौन सा है, 2015 में ये सवाल आया है, देखो इसमें तुमको क्या करना है, इसको सेपरेट करा देना है, अरे 2 - 3x, बोलो भाई क्लास में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो नहीं कर पाएगा, यदुवेंद्र नहीं कर पाओगे, नहीं यार अगर तुम्हें लग रहा है नहीं कर पाओगे तो हम बता देते हैं, यार dx, इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का 1/3 / 2 - 3x बनता है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x³/3 बनता है, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो x बनता है, लिमिट 1 2 3 अप्लाई कर देना तो बात बन जाएगी, क्लियर, और भी सवाल बचे हैं, कितने सवाल बचे हैं भाई, अब मैं चाहता हूं कि बस अब जो है इसका इसकी अंतिम लीला समाप्त कर दी जाए, क्या है बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 0 to π/4 dx upon cos cube x में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है 2015 में ये जो है क्वेश्चन पुट अप किया गया है, अब ये वही प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा ये नहीं समझ आ रहा है, 0 to π/4, एक चीज तो क्लियर है कि इसको हम लिख सकते हैं sec²x, इसको 1 ही रखते हैं, इसको 1 रखते हैं, इसको लिख दिया cos x into cos square x, इसको हमने लिख दिया root 2, यहां लिखा 2 sin x into cos x, कोई समस्या यहां तक, यहां तक कोई समस्या, यहां से हमने क्या किया 0 to π/4, 2 जा, और जब root से बाहर आएगा 2, तो 1/2, यहां से 1/2 बनता है, ये वाला जो हिस्सा है ये sec square x, ये cos x अपनी जगह पर रहेगा, कोई समस्या, ध्यान देते रहना, यहां से बच रहा है अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स, बोलो बच रहा है या नहीं बच रहा है, बच रहा है, हमने क्या किया, बिल्कुल सही जवाब है मेरे हिसाब से, तो आंसर आ जाना चाहिए, अब अगर आंसर नहीं आया तो भैया फिर यस ही सॉल्व करके बताएंगे, अंडर रूट साइन एक्स, ये ऐसे ही लिखा गया है, हमने इसमें क्या कर दिया है, दिमाग खराब है, अब सही है, हाँ हमने इसमें क्या करा, हमने इसमें अंडर रूट कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कराया और अंडर रूट कॉस एक्स से ये देखो डिवाइड करा दिया है, कोई समस्या, सवाल उठता है क्यों, तो जवाब ये है क्योंकि ऊपर sec² है तो नीचे क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए, बोलो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यहां से अगर इन दोनों का भरत मिलाप करा देते हैं तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, अरे रूट एक्स इंटू रूट एक्स की वैल्यू एक्स होती है, यार यार जब तुमने पहली बार हमारे यहाँ ज्वाइन किया था तब भी यही मुद्दा था और आज फिर यही एक मुद्दा आया, तुमको आखिरकार इसमें क्या दिक्कत है बाबू, मुझे ये नहीं समझ आता यार, हैं एक्स चलो वीडियो में बना दिया तो वीडियो बना दिया है, मुझे सोचा तुम्हें याद है वो दिन, बताइए मुझे लगता था देख लो पूरी जीवर वेस्ट हो गई थी, क्या ही बताया जाए, खैर क्लास वेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होती है भाई, जनता को समझ ही नहीं है तो पढ़ाने का क्या ही मतलब है, ये दोनों कॉस एक्स बना देंगे और कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और जब ये ऊपर जाएगा तो फिर अंडर रूट टेन एक्स डी एक्स, यहां से 1/2 देखो अपनी जगह पर रहा
यहां से पाई बाई फोर, ये जो सेक स्क्वायर है इसको लिखना चाह रहे हैं वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यहां से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होल अपॉन अंडर रूट टेन एक्स। कोई समस्या? अब इसको आगे नहीं सॉल्व कर पाओगे, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे बताओ भाई मानसू, बताइए। लक्ष्मी होती है अगर तो तत्काल अभी रिप्लाई करती। बोलो भाई श्वेता। बिल्कुल सही जवाब है, कितना बढ़िया देखिए इन्होंने जवाब दिया है, इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही है, इन्होंने कहा है हम सीधे लेट करेंगे अंडर रूट टेन एक्स को टी डिफरेंट स्क्वायरिंग कर देंगे तो टेन एक्स स्क्वायर टू टी स्क्वायर, फिर हमने क्या कर दिया इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स स्क्वायर टू टू टी डी टी। और फिर अब यहां से लिमिट में चेंज करवाओगे सेक स्क्वायर एक्स ये डी एक्स कैंसिल हो जाता है, टेन एक्स की जगह पर क्या आता है टी स्क्वायर, तो वन प्लस टी टू दी पावर फोर ये नहीं बना देगा, जबकि यहां से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो अंडर रूट टेन एक्स को हमने टी नहीं लेट कर लिया है और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर टू टी डी टी नहीं बनता है, टी से टी कैंसिल नहीं होता है। लिमिट चेंज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ठीक है, ऑनलाइन वाले क्या करेंगे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे इसका लिमिट चेंज करने पर क्या आएगा, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, तुम लोग इसको सॉल्व करके फिर मुझे बताओगे। मेरी बात समझे या नहीं समझे? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। हाँ, इसके आगे कर पाओगे बताएं, खत्म यही लास्ट था। अरे यार तुम तो बस वही को दिखा के एकदम मार रहे हो। हाँ हाँ फिर बताओ, जीरो से पाई बाई टू अजमेर 2015 में। देखो बच्चा ये सवाल पूछा गया, यानी अभी तक जितने भी सवाल के तीन वीडियोस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तुमको क्या करना है तीन वीडियोस को बार बार देखना है, डेफिनेट इंटीग्रल में कोई भी नया क्वेश्चन बनता नहीं है, और एक जो जिसका आंसर बताते हैं माइनस पाई बाई टू लॉग वो पहले भी बता चुके हैं, और जितने भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग उसको सॉल्व करके बताएंगे, अगर इनकेस कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। चलो यहाँ से सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि कॉस स्क्वायर एक्स, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर साइन स्क्वायर है, तो हमें कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई और कॉस स्क्वायर से डिवाइड, बोलो कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? नहीं कराना चाहिए, कुछ अजीब सा प्रॉब्लम है। जीरो से पाई बाई टू ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे देखो जरा यहां से क्या बनता है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स बना देगा, और यहां से ये कॉस स्क्वायर एक्स बना रहेगा। अब हमने क्या किया कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन कर लिया है, जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स को हमने कॉमन किया तो हमें देखने को मिलता है जीरो से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स ये आया वन, ये कॉस स्क्वायर एक्स यहां पर बदल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स में, किसमें और प्लस का थ्री टेन स्क्वायर एक्स साथ में डी एक्स, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाता है जीरो से पाई बाई टू। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो तो ये सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस का थ्री टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखो जरा ध्यान से तो जीरो से पाई बाई टू ये बना देता है वन प्लस फोर टेन स्क्वायर एक्स। अब ये बात तुमको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर एक्स है तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स, कहीं सेक स्क्वायर एक्स है हमारे पास तो हम क्या करेंगे ले आएंगे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड। अब मामला यहीं पर नहीं खत्म होता है क्योंकि चक्कर यह है कि ये वाला जो चल रहा है पोर्शन इसमें 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स, आर्टिकल में बताया था कि डिनोमिनेटर में सारे टर्म्स किसमें होने चाहिए 10 में होने चाहिए, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, जस्ट यार हमें लगा तुमको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं याद है, क्या ये बात सही है या गलत है? प्रयास जारी रखेंगे। अब हमने क्या कर लिया टेन एक्स को टी लेट कर लिया, अब इसके आगे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या मिल जाती है dt, sec स्क्वायर x dx कैंसिल हो जाता है इसकी जगह पर क्या मिल जाता है dt होल अपॉन यहां पर 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। कोई समस्या? और तुम इस बात को जानते हो कि जब जीरो रखोगे तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो और इन्फिनिटी 90 रखने पर इन्फिनिटी, इसके आगे प्रॉब्लम को इवैल्यूएट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे कि बताएं आगे। पार्शियल फ्रैक्शन का केस है, किसका केस है पार्शियल फ्रैक्शन का, सीधे कर सकते हैं हम लोग 1 प्लस टी स्क्वायर ये लिखा 1 प्लस 4 टी स्क्वायर ये लिखा, क्या बताया था न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो इसका जो कोफिशियंट है ये यहाँ पर रख दिया जाए और टी स्क्वायर का यहाँ पर जो कोफिशियंट है वो यहाँ रख दिया जाए। अगर हम एलसीएम ले लें तो 4 टी स्क्वायर यहाँ से मिलता है 4 टी स्क्वायर यहाँ से मिलता है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 1 मिल जाता है और यहाँ से माइनस का 4 मिल जाता है तो न्यूमरेटर क्या बच रहा है माइनस 3। नहीं समझे? नहीं समझे क्या न्यूमरेटर मिल रहा है माइनस 3। अब हमारे पास ये हमारा न्यूमरेटर है माइनस 3 जबकि हमारे क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। बैलेंसिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा
माइनस का 1/3 से डिवाइड, मतलब 1/3 मींस -3 से डिवाइड करा देना होगा ताकि वो बैलेंस कर लें। लिमिट क्या चल रही है, 0 to infinity। बाबू इसके बाद अब मेरे पास स्पेस भी नहीं है और अब मेरे पास सवाल भी नहीं है, इसलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये जो 3 वीडियो है इसको लगातार वॉच करते रहना टिल एग्जामिनेशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही जरूरी था आपके लिए, और जितना भी बेहतर हो पा रहा है वो उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।